दोस्तों कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवर्स इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसील्ड बॉक्स में जो कंसील्ड लगती है हमारे घरों में, जो लेंटर में कंसील्ड बॉक्स लगाया जाता है उसके ऊपर हम कंसील्ड लगाते हैं, तो उसमें कुछ दिनों के बाद में, साल में 6 महीने के बाद में यह कंसील्ड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके स्प्रिंग में जंग आ जाता है। स्प्रिंग में जंग आने की वजह से इस स्प्रिंग में जंग आने की वजह से हम इसको ये नीचे लटक जाती है, ऐसे नीचे लटक जाएगी और दिखने में भी काफ़ी भद्दी लगेगी, तो हमारा जो सोशल स्टेटस है वो गिर जाता है इससे, क्योंकि कंसील्ड बार बार नीचे गिरी रहती है। तो इसका आज आपको समाधान बताएंगे, परमानेंट समाधान, इस कंसील्ड को आप कैसे परमानेंट ऊपर रोक सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसका एक समाधान हो सकता है कि अगर हम इस कंसील्ड बॉक्स में एक होल्डर लगा दें, ठीक है, लेकिन होल्डर लगाएंगे कैसे, यह एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। आप एक कंसील्ड शीट लेकर होल्डर लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे पा रहे हैं मेरे पास एक शीट है और शीट हम अगर यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं तो यह शीट पूरी अंदर चली जाती है, तो यह पॉसिबल नहीं होता है कि हम होल्डर कंसील्ड शीट की मदद से इस कंसील्ड बॉक्स में लगा दें, क्योंकि यह होल्डर इस शीट में तो लग जाएगा लेकिन जब शीट लगाएंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी का एक और उपाय आपको बताते हैं आज, इस होल्डर को हम कैसे हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो आपको ये होल्डर नहीं लेना, आपके लिए हमें आज एक दूसरा होल्डर बता रहे हैं, जो कि है आप देख पा रहे हैं ये देखिए, जिस होल्डर का हम जिक्र कर रहे थे, जिस होल्डर की हम बात कर रहे थे वो ये है, रियो कंपनी का है, रियो हैवल्स का, और इसका नाम है फैंसी प्लेट बैटन होल्डर, ठीक है, फैंसी प्लेट बैटन होल्डर है। इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये होल्डर है, इसको हम फैंसी प्लेट होल्डर बोलते हैं, बटन होल्डर, जो कि इस कंसील्ड बॉक्स पे पूरा फिट आएगा। ये देखिए आपका कंसील्ड ऐसे लगा हुआ है और जो ये एरिया है, ये एरिया पूरा कवर कर लिया है इसने, कंसील्ड को पूरा ढक लिया है, तो हमारा जो बाहर से दिखेगा वो ये दिखेगा, बाहर हम जब कंसील्ड में लगाएंगे तो हमें इतना जो है होल्डर दिखेगा, कंसील्ड बॉक्स नहीं दिखेगा, कंसील्ड को पूरा ये कवर कर लेगा। आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का है, देखिए इसमें ब्रास के जो होल्डर जो है वो ब्रास का है और जो स्क्रू है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अभी इसको हम इसमें लगा के दिखाते हैं कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। तो अभी हमने इसके दोनों टर्मिनल पे पावर की सप्लाई दे दी है, ठीक है, दोनों वायर जैसे नॉर्मल फिटिंग करते हैं वैसे दोनों कनेक्शन इसको पावर की सप्लाई के दे दिए हैं और दो वायर बाहर निकाल दी है। अभी हम इसकी जो ऊपर वाला प्लेट है, ऊपर वाला जो कवर है इसका होल्डर का, उसको हम खोल लेंगे टेस्टर के माध्यम से। देखिए अभी इस कवर को एक बार साइड में कर देंगे और इसमें हम लगा देंगे इस सीट को। हमें चाहिए इसके लिए दो ब्रास के पेज, आप साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं, और जो ये दोनों कट है, ठीक है, ये जो सीधे वाले कट हैं इन दोनों कट में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए जो नीचे इसके नाके दिए होते हैं, जो पॉइंट दिया होता है उसमें हम इसको टाइट कर देंगे, हर एक कंसील्ड बॉक्स में होता है। देखिए दोनों बड़ी आसानी से टाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया है, ये देखिए, और टाइट इतने हो चुके हैं क्योंकि नीचे जो नक्का दिया था जो स्क्रू टाइट करने के लिए, उसमें हमने इसको टाइट कर दिया है। अब ये पूरी ज़िंदगी भर आपका होल्डर ना गिरने वाला है और ना ही लटकेगा, ठीक है। अभी इस पे लगा देते हैं हम कवर, ये देखिए दोस्तों कवर हमने लगा दिया। अभी हम इसमें टेस्ट करने के लिए लगाते हैं एक बल्ब, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम इसको करते हैं टेस्ट करने के लिए हमने ले लिया एक 9 वाट का LED बल्ब और इसमें हम लगा देते हैं। देखिए बड़ी आसानी से लग गया है और इसको दे देते हैं हम पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आप कहीं से भी दे सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। ये देखिए हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है, बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। तो दोस्तों अभी यह बल्ब ना तो कभी गिरेगा और ना लटकेगा, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों होल्डर हमने कंसील्ड में फिट कर दिया है, फिट करने के बाद हमने इसमें लगा दिया एक LED बल्ब। अभी इसको चेक करके दिखाते हैं, पावर की सप्लाई इसको दे देते हैं, स्विच करते हैं ऑन। स्विच ऑन करने के बाद हमारा बल्ब है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अभी यह जो LED बल्ब है, ये कभी पूरी ज़िंदगी में कभी LED बल्ब ना LED बल्ब गिरेगा, ना LED बल्ब टूटेगा, ना कोई आपका नुकसान होगा, ना यह कंसील्ड होल्डर जो है, यह जो होल्डर हमने लगाया है, यह कंसील्ड में से निकल के बाहर आएगा। तो दोस्तों यह जो होल्डर हमने लगाया है, यह काफ़ी अच्छा तरीका है एक कंसील्ड में कंसील्ड लाइट को हटाकर, एक परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, कि आपका जो कंसील्ड नीचे गिर रहा था बार बार उसका सॉल्यूशन यह परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आपको अगर यह होल्डर ख़रीदना है, आप इसको होल्डर को आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप इसका जो ख़रीदने के लिए आप हमें इस पे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या फिर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कुरियर के माध्यम से हम इसको आपको भेज देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।